दोस्तों राम जी टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि विंडो 10 अपडेट करते समय आपका सिस्टम बंद हो जाता है, ओपन नहीं कि आपको मोटी मोटा कहें कि यदि आपका विंडो 10 लैपटॉप जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, बंद हो गया है और स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे कि आपका जो विंडो लैपटॉप है वो ओपन हो जाए। विंडो 10 अपडेट करते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके ड्यूरेशन में जो है, अगर मान लीजिए ये बंद हो जाता है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग को क्या करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा एसी एडाप्टर है हमने जो है लगाया हुआ है लैपटॉप को, ठीक है। बिना लैपटॉप में एसी एडाप्टर लगाए तो मतलब विंडो 10 अपडेट होगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है और उतना जो है लैपटॉप की जो बैटरी है वो कंज्यूम नहीं करती है, ठीक है, उसके पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए बात यह है कि भाई आपको करना क्या है कि पहले आपका जो एसी एडाप्टर है उसको निकाल देना है, ठीक है। और एसी एडाप्टर निकालने के बाद दूसरा जो काम करना है उसको आपको जो है आपका जो पावर बटन दिया गया है लैपटॉप का, ठीक है, पावर बटन जो है लैपटॉप में उसको जो है होल्ड डाउन करना, यानी कि उसको जो है थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए जो है उसको दबा कर रखना है, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि आपको जो है 30 सेकंड के लिए आपका पावर बटन जो है उसको दबा कर रखना है नीचे के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है उसको आपको जो आपका एसी एडाप्टर है उसको फिर से जो है उसको लगा देना है अपने लैपटॉप में। जी हाँ दोस्तों, आपको जो एसी एडाप्टर जो है आपका जो सॉकेट है जो आपका चार्जर है उसको फिर से जो है लैपटॉप में लगा देना है, प्लग इन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फिर से पावर बटन को प्रेस करना है और जो है अपने लैपटॉप को ऑन करना है। जी हाँ, आपको दोबारा जब एसी एडाप्टर जो है लगा देंगे उसके बाद से अपने पावर बटन को जो है लैपटॉप के पावर बटन को ऑन करना है प्रेस करके, उसके बाद से आपका जो है लैपटॉप ऑन होगा। यदि ठीक है, यदि इसके बाद भी पावर बटन जो है ऑन नहीं होता है, नहीं आपका लैपटॉप जो है ऑन नहीं होता है, ठीक है, तो नॉर्मली आपका जो है जो लैपटॉप होगा वो बंद होगा, ठीक है। फिर से आप जो है पावर बटन डाउन करेंगे यानी इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद से जो है यदि आपके जो है लैपटॉप में बैटरी है उसको दोबारा निकाल कर लगाएंगे, ठीक है, तब जाकर आपका जो कंप्यूटर है यानी जो लैपटॉप है उसको पावर मिलेगा फिर से और वो अच्छे से बूट कर पाएगा। और उसके बाद से दोस्तों आपका जो विंडो 10 लैपटॉप है या फिर जो लैपटॉप है कंप्यूटर है वो जल्दी से ही स्टार्ट हो जाएगा और आपको विंडो 10 अपडेट की जो दिक्कत की वजह से जो है आपका लैपटॉप बंद हो गया था ऐसे इजीली जो है ओपन हो सकता है। तो ये टिप्स जो है आप ज़रूर यूज करें विंडो, खासकर जो लोग विंडो 10 अपडेट कर रहे हैं और इस दौरान जो है उनका लैपटॉप जो है बंद हो गया है, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये करने से आपका लैपटॉप जो है रीओपन हो जाएगा और आप अच्छे से काम कर सकेंगे। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिनको भी ये प्रॉब्लम हमारी है यदि आपको दोस्तों को, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।